That is one director of well-being center. Well-being center में हम therapeutic intervention, early education program and skill development services पे काम कर रहे थे. जो WBC का main purpose है वो बच्चों को main streaming में लेके आना है. इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए हमने एक नया project शुरू किया है जिसमें हम sports training देंगे बच्चों को और platform पे हम special needs बच्चों और main stream को इकट्ठा करेंगे ताकि बच्चे peer learning से बहुत कुछ सीख सकें. इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन को अप्रोच किया है और USI और WBC मिलके कोलैबोरेशन के साथ एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं जिसमें बच्चों की पर्सनालिटीज को ग्रूम किया जाएगा और के लेवल पे लाया जाएगा. स्पेशली यहाँ मैं बात करूंगी कि ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है, इसमें बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लाए जाएंगे और उनको हम इस काबिल बनाएंगे कि वो मुकाबले के हद तक आके विन करें, जीतें और बहुत कुछ लर्न करें. बाकी मैं चाहूंगी कि अर्शद जावेद साहब हमें बताएं कि किस तरीके से वो इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे WBC और किस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रमोट करना है. जी अर्शद साहब. थैंक यू मिस लैला. बिल्कुल, यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल हम रन कर रहे हैं पिछले 4 साल से, 4 साल से ज़्यादा जिसको टाइम हो गया. और जो यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल है वो मेन स्ट्रीम बच्चों को भी अपनी जो सारी सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं और हमारे पास जितने भी जो प्रोफेशनल कोचेज हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं. और जब यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल के साथ WBC के जो जो बच्चे हैं जो ऑटिज्म में है या वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में है या वो स्लो लर्नर्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, तो वो जब हमारे इस यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल के साथ आके ट्रेनिंग करेंगे और अपनी स्पोर्ट्स है इनके साथ खेलेंगे तो डेफिनेटली उनमें एक नई उनमें चीज़ आएगी और उनमें जो है वो नई स्किल सीखने का उनको मौका मिलेगा और वो बच्चे मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द रिहैब होंगे. उनमें रिहेबिलिटेशन इतनी तेजी से आएगी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो पेरेंट्स हैं वो खुद ये इस बात को ये मानना शुरू कर देंगे. बाकी थेरेपीज जो उनके बच्चों की हो रही है उसके साथ साथ स्पोर्ट्स थेरेपीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. और इसमें क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चे की एबिलिटी को देख के हम उनके अकॉर्डिंगली वो हम फिर उनको प्रपोज करते हैं कि इनको इनके लिए कौन कौन सी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो हमने डिजाइन करना है. तो जब ये बच्चे उनके बच्चों के साथ भी आके खेल मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ आके अपनी स्किल्स को वो और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे तो इंशाल्लाह उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी. और इसके लिए हमने WBC के साथ बिल्कुल जॉइंट वेंचर हमने कर लिया है और हम इनकी बच्चों को अपने बच्चों के साथ हम इनकी ट्रेनिंग जो है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे. मेन एम हमारा बच्चों की पार्टिसिपेशन है, बच्चों की रिहेबिलिटेशन है, उनको एक ऐसा मकाम दिलाना है जो हमारा एम ये है कि वो इंडिपेंडेंट बन जाएं, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उनके अंदर ऐसी स्किल्स आ जाएं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो खुद से अपने सारे काम शुरू कर दें. क्योंकि मैंने देखा है कि पेरेंट्स घर में जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर देते हैं, उन खाना भी खुद ला रहे होते हैं और उनके जो समटाइम ऐसा होता है कि उनको अपने जो अपने उनको उनकी क्लोथिंग जो है वो भी खुद कर रहे होते हैं, इवन उनके जो लेसिस है वो खुद बांध रहे होते हैं. तो मेरा ख्याल है कि जब ये बच्चे उसमें आएंगे इनका एक उनका उनके अंदर एक डेवलपमेंट आएगी तो वो अपने काम खुद से करना शुरू कर देंगे और इंस्ट्रक्शंस शुरू कर देंगे. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसके ऊपर अपनी पूरी फोकस के साथ इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा. जी एवरीवन, बेसिकली हम लोग इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमने एक लॉन्ग जर्नी था जिसमें हम लोगों ने टाइम गुजारा है और मैंने बहुत सी जगहों को विजिट किया है और फिर प्लान किया है कि कौन सी जगह बेस्ट है, सेफ है और कौन सी जगह पेरेंट्स के लिए इजी अप्रोच है. और यहाँ पे मजीद ये कहूँगी कि हमारी बहुत सी मीटिंग्स कंडक्ट करने के बाद हम लोग फाइनलाइज एक प्रोग्राम तक पहुँचे हैं. अर्शद साहब से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो हमें गाइड करेंगे कि ये किस एज के लिए प्रोग्राम है ताकि आराम से ये भी पता चल सके और कौन कौन से स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं ये भी हम जरूर चाहेंगे कि आप लोगों को पता चल सकें. तो जी अर्शद साहब प्लीज. जी नैला, इसमें जो है हम हर तरह की एज ग्रुप को हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिकली जो है हमने ये इसमें किया है कि हम 3 साल से बच्चों
की एजेस को हम शुरू करेंगे और ऊपर की जितनी भी एज के बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें एक तो ये है कि इससे पहले कि मैं आपको गेम्स बताऊं, गेम्स में बहुत सारी गेम्स हमने डिज़ाइन की हुई हैं इनके लिए, और मेन स्ट्रीम के वाले बच्चे जो हैं वो इन गेम्स को खेलते हैं, वही ये जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी वही गेम्स खेलेंगे। तो उसके लिए मैं, अगर पेरेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं और वो इसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके जो बहन भाई हैं उनको भी प्रोग्राम में लेके आए, ताकि जब वो उनके बडीज बन जाएंगे, उनके जब वो आपस में उनका घर जाके भी वो एक स्किल जो हम उनको कराएंगे, वो घर जाके भी वो एक दूसरे के साथ वो स्किल्स कर सकते हैं। लाइक घर में बहुत बड़ा लॉन नहीं है या बहुत बड़ा एक बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास बाल होता है, तो बाल आप एक रूम के अंदर जो है वो आप ड्रिबलिंग कर लेते हैं, एक रूम के अंदर आप चेस्ट पासिंग कर लेते हैं, आप बाउंस पासिंग कर लेते हैं। तो इस तरह की स्किल्स जो है, और भी बहुत सारी की स्किल्स भी घर के अंदर हो सकती है। तो अगर उनके बहन भाई भी इन स्पोर्ट्स में आएंगे और इनमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमने मेन स्ट्रीम के लिए भी किया हुआ है और स्पेशल बच्चों के लिए भी किया हुआ है, तो इसलिए मेन स्ट्रीम वाले जो उनके बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, वो ज़रूर आए, इसमें हिस्सा लें, तो इंशाल्लाह उनमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी आपके बच्चों में। आप देखेंगे कि विद इन इंशाल्लाह 1 मंथ उसके अंदर कितनी उनके अंदर, तो जब वो कंटिन्यू इसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि वो जैसे आपके दूसरे बच्चे घर में काम कर रहे हैं, घर में आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह उसी तरह वो आपके जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी अपने बहन भाइयों के साथ इसी तरह से वो इंटरेक्ट करेंगे और वो अच्छी पोजीशन में इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो उसके लिए जो हमने गेम्स प्रपोज की हुई हैं, वो वैसे तो अगर हम गेम्स को खिलाना चाहें तो हमारे पास जितनी फैसिलिटीज होंगी उसके अकॉर्डिंगली हम गेम्स उनको दे सकते हैं। तो जो हमने ग्राउंड्स के जो हमने विजिट किए हैं, उनमें हमने जो हमारी जो गेम्स हमने इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले जो है मैं नाम लूंगा किड्स एथलेटिक्स का। किड्स एथलेटिक्स इज द, यू कैन से के मदर ऑफ द स्पोर्ट्स, जिसमें हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो होती हैं, जिसमें रन जंप एंड थ्रो। मैं रन जंप एंड थ्रो को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें रन जंप एंड थ्रो नहीं होता। तो इसलिए हमने सबसे पहले जो है हमने इसमें इसको किड्स एथलेटिक्स को लिया है, जो इसकी आपकी जो कंडीशनिंग है वो हम किड्स एथलेटिक्स प्रोग्राम के अंदर करेंगे, और फिर इनको फर्दर डिफरेंट गेम्स के अंदर हम इनको सेलेक्ट करके भेजेंगे कि किसके अंदर कौन सी स्किल है, तो उसको स्पेसिफिकली उस गेम के साथ हम मुंसलिक कर देंगे। तो उसमें हम किड्स एथलेटिक्स हमारी हो गई है, बास्केटबॉल हम कर रहे हैं उसमें, उसमें हम टेबल टेनिस कर रहे हैं, उसमें हम फुटबॉल कर रहे हैं, उसमें हम स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये सारी स्पोर्ट्स, और इसके अलावा भी कुछ स्पोर्ट्स और भी, कोई अगर कोई कहेगा कि हमने जो है क्रिकेट हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है, की हुई है हमने क्रिकेट इसमें शामिल, तो इसके अलावा भी कोई और गेम्स भी कोई खेलना चाहेंगे वाले, तो हम वो गेम भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो स्पेसिफिकली हमने जो है वो 6-7 स्पोर्ट्स हमने रखी हुई हैं, लेकिन कोई ज़्यादा अगर कोई बॉक्सिंग की तरफ जाना चाहता है तो हमारे पास वो भी अवेलेबिलिटी है, क्लब्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास है, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम उनको हर तरह की को एक अच्छे लेवल पे और प्रोफेशनल्स कोचेस के साथ हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे। ये क्योंकि जब बच्चे जो हैं वो एक प्रोफेशनल कोच के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो उनकी बेसिक्स ठीक होंगी। अगर स्टार्ट में ही हमने उनकी बेसिक खराब कर दी और स्टार्ट में ही उन्होंने जो है वो, जैसे फुटबॉल को अगर हम उनको किक कराना सिखाते हैं तो पाँव को, बॉल को जो है वो पाँव अगर गलत तरीके से वो उसको हिट करते हैं तो उनकी स्किल जो है उस तरह से नहीं होती जिस तरह से एक जो सही फुटवर्क के साथ जो है वो किक की जाती है। तो इसलिए प्रोफेशनल कोचेस का होना हर उस स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे ने उसको प्रोफेशनली खेलना है, प्रोफेशनली नहीं भी खेलना होता, लेकिन प्रोफेशनल कोच का होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने प्रोफेशनल कोचेस के साथ अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इन प्रोग्राम्स के साथ हम इसको आगे लेके बड़े अच्छे ऐसे तरीके से इंशाल्लाह चलें। जी थैंक यू सो मच अर्शद साहब ने बड़ी डिटेल से बताया कि कौन कौन सी गेम को हम टारगेट करेंगे। और यहाँ मैं एक चीज़ को और इंक्लूड करना चाहूँगी कि इंडोर आउटडोर गेम्स होंगी और ग्रुप एंड इंडिविजुअल को हम लेके चलेंगे। अगर कोई पेरेंट्स ये समझते हैं कि उनके बच्चे को फुली और इंडिविजुअली अटेंशन की ज़रूरत है तो वो चीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड सेकेंड, हमारे पास बहुत एक्सपर्ट कोचेज हैं जो कि स्पेशल नीड बच्चों के साथ ट्रेनिंग रखे हुए हैं और उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, इसलिए कतन हमें मुश्किल नहीं होगी। आप लोगों से इतना कहेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ज्वाइन करें
और अपने बच्चों की पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग की तरफ जरूर मूव करें। पिंडी इस्लामाबाद में ये एक नया स्टेप है, बड़े वास्ट लेवल पे इसको लेके, और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, डिफरेंट ग्राउंड्स, इंडोर फैसिलिटीज, इन तमाम चीज़ों को अप्रोच करेंगे। और अर्शद साहब का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। उम्मीद है आप इसको इंजॉय करेंगे और बच्चों की लर्निंग और इनको प्रमोट करने की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह।